याद है ना मम्मा? पंडा जी किधर इधर? आराम से पंडित जी। चंद्रमा देवता पशवो देवता देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देव इंद्रो देवता वरुणो देवता चौके पर चढ़ा दिए आप ले लीजिए चढ़ा दीजिए चौके पर चढ़ा दिए गणेश जी के आगे ये दोनों थोड़ा आगे कर दीजिए साफ जल वाला यहाँ देखिए इधर भगवान का ध्यान करते हुए ऐसे चार बार इस ओ महानमो गणेभ्यो गणपति वैष्णवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपति वैष्णवो नमो नमो कृषेभ्यो कृषपति वैष्णवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे वैष्णवो नमो नमः ओमस्त्री सते लक्ष्मीस्त पतन्या महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि सुखमसिनो व्यापः मैम हाल लगा के तो देख लीजिए मैम इधर देखिए पहले कैमरे पे वेट करिएगा भैया इधर देखिए भैया दे लो मुझे जरा काम आप कन्यादान करवाइए आप कराइए मुझे हवन सामग्री दे दो इनका कन्यादान करवा दो हवन सामग्री मुझे दो पीछे खड़ोगे ना सर निर्धार कर दीजिए ये थाली मुझे खोला हो लगाओगे ना जब मैं स्वा बोलू ना ओम सूर्यो दिवाधिपति समापत सन् प्रमुण सन् क्षत्रे श्याम शिष्यदायां क्रोधाया सन् कर्म श्याम देवत्यागं स्वाहा ओम इदं सूर्यायाधिपते चंद्रमा नक्षत्राणामधिपति समापत सन् पुरुण सन् क्षत्रे श्याम स्वाहा ओम चंद्रमसे बृहस्पति प्रमणोधिपति समापत सन् पुरुण सन् कर्म श्याम देवत्यागं स्वाहा ओम स्वात्मधिपति समापत सन् पुरुण सन् क्षत्रे श्याम देवत्यागं स्वाहा ओम पत्र
से गद्दा हटाएंगे या जगह होगी। हाँ सौ मीटर करवा लीजिए जी। हाँ दो दो दक्षिणा रखवाइए। ओम इमं लाजाना पवने समस्ते करण मम तुभ्यं संबंध स्वाहा। अब हाथ अलग करिए। ओम गिरामिदे सौवर्चित्वा हस्तामया पत्यं जन्द्रकर्था भगवर्यमा संगिता पुरं द्वारे पत्या देवा सामाहमस्मि रिक्तहं जौरहं पृथिवी तावेव व्यव सौरे तो तदावे प्रजां प्रजां वे पुत्रान् पुत्रा वहे मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गणध्वज मंगलं कुंडले काय मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं कृतं तदेव तारावरण चंद्रबलं तदेव विद्यावलं नैव बलं तदेव लक्ष्मीपते देवगुरुरामे भगदुंडा महाकाय सूर्यकोटे समाप्तवान् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वा बाधा निर्मुक्तो धन धान्य सुधान्विता मनस्यो मत प्रसादेन भविष्यति बोलो सच्चे दरबार की। सिक्का लगा लो सामने भैया सामने भैया सामने भैया ठीक है। आपको तो गिरा नहीं आ रहा।
पट्टा फिर करवा पूरा खाना तो पूरा खा सकते हो दोनों आधा आप खा लो आधा मैं खिला खिलाओ आप जल पिलाओ मुझे तो दूसरे को पिलाओ जल दिया पिला दो पहले मैंने तुम्हें बता दिया और जल है कि हमारा हाथ धोने क्यों हाथ धुलवा लीजिए भैया अभी पी लो कॉफी मंगवा है ना पहले तो वो कहा गोल गोल भरेंगे आप और बैठा तो गाइज यहाँ पे हम लोग ना ये घर आ गए थे क्योंकि मुस्कान दी की विदाई हम लोगों ने घर से की थी। मेरा बहुत ज्यादा मन था कि मुस्कान दी घर से ही विदा हो तो बस यहाँ से घर से ही विदा किया था। और गाइज इस टाइम ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है ज़्यादा, ये छोटा मोटा सा एक क्लिप्स ऐड कर पाई हूँ क्योंकि यही रिकॉर्ड हुई थी। पीयूष भैया ने भी कर ली थी वो भी थोड़ी बहुत रिकॉर्ड। बाकी विदाई का ना मतलब प्रॉपर ब्लॉग नहीं शूट हुआ था क्योंकि उस टाइम सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, सभी रो रहे थे क्योंकि ये जो मोमेंट होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इस टाइम आंसू रुकते ही नहीं है तो वही कंडीशन थी कि सब बहुत रो रहे थे। तो उस टाइम होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस ये दिख रहा था कि मुस्कान दी हमें छोड़ के जा रही हैं तो बस आंसू नहीं रुक रहे थे उस टाइम तो। और गाइज ये बाकी जो फुल ब्लॉग विदाई का है ना वो जब फोटोग्राफर से आ जाएगा ना तब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जब तक आप यही वाला जो भी छोटा मोटा क्लिप है विदाई का वो एंजॉय करिए। एंजॉय क्या मतलब आप लोग भी रो पड़ोगे इसको देख के, तो मुझे पता है ये मोमेंट तो देख के किसी को भी रोना आ जाता है। और गाइज बाकी आप लोगों ने ना मेरे ये जो मुस्कान दी के वेडिंग ब्लॉग है इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आई होप आप लोग आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहेंगे मेरे चैनल को। और बाकी अभी वेडिंग ब्लॉग्स आएंगे प्रॉपर तब मैं आप लोगों के साथ सारी मतलब अभी तो जो हुआ था छोटा छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिकॉर्ड हुई थी शादी के टाइम पे भी, लेकिन अब प्रॉपर जब वो वीडियो आएगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब उसको भी जैसे आपने इन ब्लॉग्स को प्यार दिया है ऐसे ही उनको देना। बाकी सामने जाओ सामने मैं तो कहा सामने जाओ मम्मी सभी को क्या हो गया यार दोनों हाथों से लो अभी उसको गले पे लगाओ देखो आज ही तुम्हारे घर आज तुम्हारे घर जाएगी।